एक बात और इब्राहिम, क्या ये जो पुलिस है साकिब के हादसे को कत्ल करार देना चाह रही है, क्यों? अच्छा, वो कैसे? अभी इस मामले को तो इतने सालों के बाद पुलिस ने क्यों उछाला है? इब्राहिम, मुझे याद पड़ता है बहुत अरसे पहले साकिब ने मेरे को बोला था कि कोई उसको धमकी दे रहा है। किसका? कौन था? जफर का बाप सलीम। जफर का बाप सलीम? तो मैंने तुमसे कब कहा कि मेरी मोहब्बत का जवाब तुम मोहब्बत से दो? ये पागलपन है माहीन, एक ऐसे शख्स से मोहब्बत करना जो ऑलरेडी किसी और का हो। नहीं, लेकिन तुम तो उससे मोहब्बत नहीं करते ना। उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है। देखो माहीन, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी फीलिंग्स को तकलीफ पहुंचे। क्या कहना चाहते हो? यही कि बेहतर होगा कि आज के बाद हम लोग नहीं मिले। शिराजी, ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ, मेरी वजह से अगर तुम्हें तकलीफ पहुंचेगी ये बात मुझे गवारा नहीं गुजरेगी। ऐसे मत कहो। देखो, तुम्हारे वजूद ने तो मुझे जीने का सहारा दिया, जवाज फराहम किया, वरना मैं तो। माहीन माहीन माहीन, मेरी बात सुन, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, ये तुम्हारा मसला नहीं है, लेकिन खैर मैं ये बात एक्सेप्ट करता हूँ कि मुझे तुम पसंद भी हो। मोहब्बत? मोहब्बत नहीं करते मुझसे? I'm really sorry. सॉरी माहिन, मैं चलता हूँ। शाह, thank you.
हाय। कैसी हो मलिक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और नाराज हूँ आपसे। पता नहीं आप कहाँ गायब है, एक ही घर में रहते हुए नजर ही नहीं आते। बस क्या करूँ, काम में इतना मसरूफ हूँ और वैसे भी तुम्हारी शादी की तैयारियां भी तो करनी है। ओफो, हो जाएंगी सारी तैयारियां भी, आप इतनी टेंशन नहीं लिया करें। लेकिन अपना फ्यूचर भी तो सेट करना है और मेरा मुकाबला किसी और के साथ नहीं, तुम्हारे बाप के साथ है। भाई वो आपके भी बाबा है, सिर्फ मेरे बाबा नहीं है। ये सिर्फ किताबी बातें, इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं। आखिर ये लड़ाई कब तक चलेगी? अच्छा छोड़ो ये बातें, ये बताओ तुम शिराज से शादी करने पे खुश हो? जी भाई मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है, तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही बता रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, इतना सब कुछ हो गया इस घर में और मुझे बताना किसी को गवारा नहीं हुआ। अरे इस बात का इल्म मम्मा पापा को भी नहीं है। अरे कैसे नहीं होगा उन्हें इल्म, वो लड़का किसी लड़की से चक्कर चलाता फिर रहा है और इस घर में किसी को पता नहीं है। वाह जफर, उनको बताने का मतलब है कि बात खराब करना। अरे बात खराब होती है तो हो जाए, मुझे किसी की परवाह नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरी बहन किसी जहन्नुम में जाए। शिराज का उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है, वो मलिया को ही पसंद करता है। मुझे तुम्हारी इस बात पे ना हरगिज यकीन नहीं हो रहा। मैं सच कह रही हूँ, मलिया खुद इस बात को मानती है। जो भी हो मैं बात करूंगा मॉम से और शिराज से भी। सुभान अल्लाह। फॉर गॉड से इरफान, ये तुम किस तरह चाय पी रहे हो? कब सीखोगे और कब सुधरोगे? 20 साल हो गए हमें साथ रहते हुए। अरे सांस तो तुम्हारी मर्जी से लेता हूँ, कम से कम चाय तो मेरी मर्जी से मेरे को पीने दो। ओम, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या हो गया जफर? इरफान अपने ही, यही बात करो। आप मलिया की शादी रुकवा दें फौरन। क्या, क्यों? एक मिनट, इसे पूछो ये होश में है या भंग भी क्या है। ये शिराज किसी और से शादी करना चाहता है, मलिया से नहीं। ये नहीं हो सकता। कौन सी लड़की से भला? वही जिसने आपको मरी वाला प्रोजेक्ट गिफ्ट किया था और इसकी कीमत अब वो शिराज से शादी करके हासिल करना चाहती है। एक मिनट, Who told you this? किसने बताया तुम्हें ये सब? खुद मलिया ने बताया मुझे। वो दिन रात इस गम में जल रही है और आप बेफिक्र उसकी शादी की तैयारियों में मसरूफ हैं। रुक जा, मैं बात करता हूँ खुद शिराज से। इरफान प्लीज आप बैठे, मैं शिराज से बात करूं। तुम्हें जफर के सामने एहतियात करनी चाहिए थी, अब न जाने वो क्या करेंगे। अभी मैं क्या करती हूँ सब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और जफर भाई ने इतने प्यार से पूछा, मैं भी इतने इमोशनल हो गई थी कि मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ और मैंने सब बता दिया। अब मुझे एक ही बात का डर है कि कहीं जफर भाई गुस्से में शिराज को कुछ ना कह दें, उससे लड़ ना जाएं। कुछ भी था, एटलीस्ट तुम्हें माहिन का नाम नहीं लेना चाहिए था उनके सामने। मुझे भी डर लग रहा है अब तो। आप मुझे ये बताएं कि अब क्या होगा? अब बस कुछ भी नहीं कर सकते, दुआ करो कि अल्लाह पाक सब कुछ ठीक कर दे।
बहुत बड़ा मौका मिला है सफर। अब तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी भी तरह ये शादी टल जाए। कोशिश तो खैर मैं भी यही करूंगा, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मलिया का ख्याल आ रहा था। बड़ा मकसद हासिल करने के लिए छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देना चाहिए। याद रखो कि ये तुम्हारी बका की जंग है, और बका की जंग में रिश्ता नहीं, रिश्तेदारों के सर गिने जाते हैं। हाँ, याद रखूंगा आपकी बात। शाबाश, इरफान को शिकस्त देने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। बस इतनी सी बात थी आंटी, इस बात को इतना लंबा कर दिया मरिया ने कि पता नहीं क्या हो गया। भाई तुम मुझसे बात कर लेते। सारी बात समन भाभी को बता तो चुका हूँ, आप उनसे पूछ सकती थी। कम ऑन, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आई ट्रस्ट यू। आंटी मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है कि आप और अंकल मेरी वजह से जो है ना। तुम कोई गैर नहीं हो शिराज, मेरे अपने सगे भाई का खून हो और फिर मलिहा की पसंद भी। हाँ आंटी, लेकिन ये जो मलिहा की शक करने की तबीयत है ना, ये हमारी आगे जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स करेगी। डोंट यू वरी, मैं उसे अच्छी तरह से समझा दूंगा। मुझे तो लगता है कि ये इसकी दोस्त है ना फायजा, सब उसकी बातों में आती है। आई डोंट थिंक सो, फायजा ऐसी लड़की लगती तो नहीं। बज़ाहिर तो मुझे भी नहीं लगती ऐसी, लेकिन आपको नहीं पता सारी उसकी बात सुनती है, वो जो कहती है वही करती है वो। हाँ तो ठीक है, मैं उसको यहाँ आने से मना कर दूंगी। प्लीज अब यही नहीं कीजिएगा, और गुस्सा करेगी। आई हैंडल, तुम बस मलिहा से बात करके सारी गलत फहमी दूर कर। जी मैं कोशिश करता हूँ। ये सब बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ बाबा, लेकिन मलिहा शहराज को पसंद करती है, और जहां तक रही दूसरी लड़की की बात तो वो महज एक गलत फहमी है जो बहुत जल्द दूर हो जाएगी। तुम ऐसी कोई कोशिश का हिस्सा नहीं बनोगे, बल्कि तुमने इन दोनों के दरमियान दूरियां बढ़ानी है। मलिहा और शहरयार के दरमियान दूरियां बढ़ेंगी तो तुम्हारे और मलिहा के मिलने के मौके मिलेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप, मैं दोस्त हूं उनका। तुम एक बेवकूफ लड़के हो शहरयार, और बस मलिया को पसंद करते हो ना, उसे शादी करना चाहते हो। अब कुदरत जब तुम्हारा साथ दे रही है तो तुम दूर भाग रहे हो। मैं दोस्ती के नाम पे धब्बा नहीं बनना चाहता। पागल मत बनो शहरयार, ख्वाहिश है मेरी, ख्वाहिश तुम्हारी और मलिया की शादी हो जाए। लेकिन मलिया ऐसा नहीं चाहती है बाबा। तो गोली मारो मलिया को, समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं तुमसे। ऐसे मौके बार बार हाथ नहीं आते। मलिया और शिराज में जितनी दूरियां होंगी, मलिया उससे शादी से इनकार कर देगी। इरफान भी यही चाहता है, समझ गए मेरी बात? गौर से सोचो अपने दिमाग से, और ये तुमने करना है। माहिन, हमारा ना मिलना एक दूसरे से हमारे लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकते हो तो मैं तुमसे मिलने तुम्हारे ऑफिस आती हूँ। ये क्या कह रही हो तुम, पागल हो गई, दिमाग खराब हो गया? मैं ऑफिस में हूँ, काम की जगह ही है, यहाँ पे ऐसा कोई तमाशा नहीं हो सकता। पिछली बार इतनी मुश्किलों से मैंने सारी चीजें सॉल्व की, तुम दोबारा आके वो मसला खड़ा कर दोगे। देखो तुम्हारे पास आज दोपहर 2 बजे तक का वक्त है, बस उसके बाद। माहिन, माहिन, माहिन ही थी है? अच्छा है, मुझे यूं लगता है कि तुम माहिन को अहमियत दे रहे हो मलिया से ज्यादा। नहीं,
ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो पप्पो को खुद एक मिनट, असल में मेहरों के साथ जो है मलिया को लेके खुदगर्ज हो रही है, होना भी चाहिए, लेकिन मैं खुदगर्ज नहीं हूं। मैंने अल्लाह साईं को जान देनी है, अपनी कब्र में जाना है। अगर तुम माँ इनको पसंद करते हो, दिल खुला करो, बड़ा करो दिल, शादी करो उससे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। रुक जा रुक जा रुक जा, मैं मलिया का बाप हूं, वो क्या सोचती है, उसके क्या एहसास है, क्या जज्बात है, मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मैं खुद गर्ज नहीं हूं। इसलिए कहता हूं कि जो दिल चाहे करो, मैं जबरदस्ती मलिया को तुम्हारे ऊपर थोपना नहीं चाहता, ये मसला है बस। और ये मेहरू जो है तुम पर किए हुए एहसानात का बदला लेना चाहती है, लेकिन मैं तुम पे कोई चीज थोपूंगा नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं अंकल, आप मेरी बात का यकीन करें। रुक जा सुन ले मेरी बात। नन्हेपन से लेके जब तू छोटा था, छोटे से तेरे को पाल पोस के बड़ा किया, जवान किया, तू कोई एहसान तो नहीं किया तेरे को है? तू मेरे नुसा का भांजा है, इसलिए साकिब, साकिब मेरा दोस्त था, मेरा जिगर था, मेरा जानी था, इसलिए तू जो फैसला भी करेगा मैं तेरे साथ हूं। बस कूड़ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, मुझसे जिंदगी में सख्त नफरत है मेरे को झूठ से, कूड़ से। इतने फोन क्या हो गया? बैठो तो बताओ क्या बात बतानी। बहुत अजीब बात है, मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा है। पाक खुदा, कमाल है शरियार, जिस बात पर तुम्हें भी यकीन नहीं है उस बात को बताने के लिए तुमने मुझे ऐसे बुलाया जैसे कोई कयामत आ गई हो। अब क्या हुआ है ये बताओ। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। मैं और तुम्हारा मजाक, मेरी इतनी मजाल, इतनी जुर्रत। अब तुम्हारी इन बातों के बाद मुझे लगता है कि मुझे वो बात बता देनी चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ओह गॉड शहरयार, प्लीज अब तुम ये देवदास मत बन जाना, स्टॉप विद योर फिल्मी ड्रामास। मुझे बताओ हुआ क्या, मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है। मुझे लगता है तुम्हारे और शहराज के बीच में कोई साजिश कर रहा है। व्हाट शहरयार, तुमने मुझे ये बात बताने के लिए यहाँ बुलाया? What's wrong with you, यार? तुम्हें पता है मुझे इस तरह की बातें नहीं सुननी होती। Please, यार, आइंदा ना मुझे ये फजूल बात के लिए इस तरह मत बुलाना। मैं इतनी चीजें छोड़ कर आई हूँ अपनी सारी। तुम चाहो भी तो मुझसे दूर नहीं भाग सकते शिराज। क्या हो गया माहिन, मैं तुमसे भाग थोड़ी रहा। लेकिन इस बात से तुम मुंह फेर रहे हो ना कि अब तुम भी मुझसे मोहब्बत करने लगे हो। ये सच नहीं है। यही सच, तुम इसे कबूल करने से डरते हो बस। हम इसके अलावा किसी और बात पर डिस्कशन कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और करेंगे भी, लेकिन उससे पहले हम इस बात का फैसला कर ले। तुम जानती हो कि मेरी शादी मलिया से होने वाली है। तो मैंने कब कहा कि तुम उसे शादी मत करो? तुम्हारी बातें बहुत अजीब हैं। मुस्लिम कि मैं खुद बहुत अजीब। घर में भी यही बातें हो रही हैं, यहाँ पे भी यही बातें हो रही हैं। मतलब देखो शिराज, घर में क्या हो रहा है, दूसरे लोग क्या बातें कर रहे हैं, मुझे उससे कोई परवाह नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ ये जानती हूँ कि मेरी तलब तो तुम। क्या हो गया तुम्हें, तुम पागल हो गई हो क्या?